सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग ने रिसेंटली सितंबर का सिक्योरिटी पैच सैमसंग के काफी सारे डिवाइसेस में रोल आउट किया है। A51, A21, A70, Note 9, S10 सीरीज में काफी सारे डिवाइसेस में सैमसंग ने रोल आउट कर दिया है, लेकिन वो आउट ऑफ इंडिया रिलीज किया है। जर्मनी में रिलीज किया है, फिर यूक्रेन में और रशिया में रिलीज किया गया है, लेकिन अब फाइनली इंडिया में भी सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो किस डिवाइस को मिला है सितंबर का सिक्योरिटी पैच सबसे पहले इंडिया में, और किन किन डिवाइसेस को सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 50 लाइक, 50 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सैमसंग ने सबसे पहले यह अपडेट इंडिया में A21s डिवाइस को दिया, जो कि A सीरीज का लेटेस्ट डिवाइस है जो कि मिड रेंज कैटेगरी में आता है। तो सैमसंग ने सबसे पहले इसी डिवाइस में सितंबर का सिक्योरिटी पैच रोल आउट किया है इंडिया में। आउट ऑफ इंडिया यूक्रेन और रशिया में तो रिलीज कर दिया गया है A21s, A51, A71 के लिए, लेकिन इंडिया में A21s को ही अभी तक मिला है सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट। बात करें अपडेट फाइल की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 216.60 MB का अपडेट फाइल है। सितंबर 2020 का आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। इस अपडेट में सैमसंग ने डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, डिवाइस की स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया है, बग्स को फिक्स किया है, कुछ फीचर्स को इंक्लूड किया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया है। तो अगर आप A21 डिवाइस यूज करते हैं तो सेटिंग में जाइए, सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कीजिए, आपको सितंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। साथ में काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि सैमसंग के किन किन डिवाइसेस में आपको सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। तो जो भी डिवाइस सैमसंग के सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट में मंथली अपडेट में है, यानी हर महीने उसको सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं, तो उन सारे डिवाइसेस को मिलेगा। सैमसंग के S20 सीरीज को मिलेगा, सैमसंग के Note 20 सीरीज को मिलेगा, सैमसंग के S10 सीरीज, Note 10 सीरीज, सैमसंग के S9, S9 प्लस, Note 9, सैमसंग के A50 को भी मिलेगा और Note 8 को भी मिलेगा। और जो डिवाइसेस सैमसंग के सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट में क्वार्टरली अपडेट्स में है, यानी 2 से 3 महीने पर उन डिवाइसेस को एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है सिक्योरिटी पैच का, और 2 से 3 महीनों से उन डिवाइसेस में कोई भी अपडेट नहीं आया है। जून का सिक्योरिटी पैच है, मई का सिक्योरिटी पैच है, या फिर जुलाई का सिक्योरिटी पैच है, तो उन डिवाइसेस को भी मिलेगा। तो सैमसंग के J सीरीज में J6, J8, J6 प्लस में मिलेगा सितंबर का सिक्योरिटी पैच। साथ में सैमसंग के A सीरीज में जो डिवाइसेस को 2 से 3 महीने से कोई भी अपडेट्स नहीं मिला है, उन सारे डिवाइसेस में मिलेगा, और सैमसंग के A51 में भी मिलेगा, क्योंकि A51 में अभी जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट आया था, तो आउट ऑफ इंडिया मिल चुका है सितंबर का सिक्योरिटी पैच, तो सितंबर का सिक्योरिटी पैच A51 में मिलेगा, और सैमसंग के A70 में भी मिलेगा। A50 तो मंथली अपडेट लिस्ट में है, तो A50 को तो कन्फर्म है कि मिलेगा ही। और जो डिवाइसेस को अभी जून का सिक्योरिटी पैच जो डिवाइसेस में रन कर रहा है, या फिर जुलाई का सिक्योरिटी पैच रन कर रहा है, या फिर मई का रन कर रहा है, उन सारे डिवाइसेस में मिलेगा, चाहे वो J सीरीज का हो, चाहे वो A सीरीज का हो, चाहे वो M सीरीज का डिवाइस हो, लेकिन सैमसंग की क्वार्टरली अपडेट लिस्ट में होना चाहिए। तो सैमसंग के सिक्योरिटी पैच अपडेट लिस्ट जो कि लेटेस्ट सितंबर का है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।